नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता खांडेकर एमएनएस न्यूज लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। बातों में बहलाकर 12,000 रुपयों की चोरी। कांदिवली पश्चिम के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में एक युवक के 12,000 देखते ही देखते चुराए जाने की घटना सामने आई है। यह युवक अपने खाते में पैसे भरने के लिए आया था। इस समय तीन चोरों ने बातों बातों में उसका ध्यान भटका कर 50,000 में से 12,000 रुपए चुरा लिए। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी के माध्यम से अब पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या मामला, सर्वोच्च न्यायालय ने जलद सुनावनी से किया इनकार। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के वकीलों ने सर्वोच्च न्यायालय में अयोध्या प्रकरण में जलद सुनावनी लेने की याचिका दायर की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया। इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही निर्देश दिए हैं, ऐसा न्यायालय ने कहा। इससे पहले की सुनाई में केवल 3 मिनट में जनवरी 2019 में इस प्रकरण की सुनाई करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया था। इस प्रकरण की सुनवाई कौन से तारीख से होगी, इस पर भी सुनवाई करने से सर्वोच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया। यह सुनवाई सर न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश एस के कौल और न्यायाधीश के एम जोसेफ इनके खंडपीठ ने की। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुणे शहर का नाम जीजापुर करे, संभाजी ब्रिगेड की मांग। पुणे शहर को मां जीजाऊ का वंश प्राप्त हुआ है। यह शहर मां जीजाऊ ने सोने का हल चलाकर बसाया है, इसीलिए पुणे शहर का नाम बदलकर जीजापुर रखने की मांग संभाजी ब्रिगेड ने की है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सब खजाना खाली कर किसानों को कर्ज मुक्त किया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने भी छत्रपति का आशीर्वाद लिया है। उस आशीर्वाद को याद रखकर पुणे का नाम जीजापुर रखा जाए, ऐसी मांग शिंदे इन्होंने की। औरंगाबादचं नाव संभाजी नगर करावं आणि उस्मानाबादचं नाव धाराशिव करावं, ही जिल्ह्याच्या नावाचा बदल व्हावा यासाठी गेली अनेक वर्षापासून शिवप्रेमी शंभूप्रेमी मागणी करत आहेत। तशीच मागणी पुण्याचं नाव बदलून जिजापूर करावं अशी संभाजी ब्रिगेडची सुद्धा मागणी आहे। कारण ज्या प्रमाणे औरंगाबादचं संभाजी नगर करावं, ही जशी संभाजी राजांप्रती अस्मिता शिवप्रेमींनी व्यक्त केली, तीच भावना पुण्याचं सुद्धा नाव जिजापूर करावं अशी अनेक वर्षापासूनची सामाजिक आणि शिवप्रेमींच्या लेवलवर ही मागणी सुरू आहे। परंतु सध्या महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये जिल्ह्याचं नाव बदलावं असा एक ट्रेंड सुरू आहे, म्हणून पुण्याचं सुद्धा नाव जिजापूर करावं, कारण हे पुणे हे राष्ट्रमाता जिजाऊंनी वसवलेलं आहे। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए प्ले स्टोर से आज ही एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।